यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है। यदि नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखना वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कॉल आउट करने के बाद भी पायलट अचानक से अपने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खोने लगती है और न्यूक्लियर मिसाइल भी अपने आप ही आम हो जाता है। वो बेचारी इजेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है पर एयरक्राफ्ट रहस्यमय कारण से डिसइंटीग्रेट होकर न्यूक्लियर मिसाइल के साथ ही क्रैश जाता है, जिसके भयंकर विस्फोट में पीडमोंट टाउन नामो निशान मिट जाता है, जिसके झटके दूर दूर तक महसूस होते हैं। ये देखकर वाइल्डफायर टीम और मिस्टर प्रेसिडेंट के एकदम होश उड़ जाते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। पायलट की फुटेज को गौर से देखने के बाद और जिस तरह से एयरक्राफ्ट डिसइंटीग्रेट हुआ, उन्हें अब बड़ा धक्का लगता है कि ये सब एंड्रोमेडा का ही किया करा था, जो फिर से म्यूटेट हो गया और अब वो नायलॉन जैसे टफ मटेरियल को भी चुटकियों में निगल सकता है। टीम एकदम पजल कि ये पीडमोंट टाउन से इतने दूर कैसे फैला। फिर जब उन्हें एक रैट के कारण मिलिट्री के होमसाइड अटैक के बारे में पता चलता है, तभी शालिन को उस एग्जामिनेशन के दौरान वो जली हुई लाश याद आती है। जरूर एंड्रोमेडा म्यूटेशन से इवॉल्व होकर कार्बन स्मोक के जरिए फैल गया और जानवरों में फैलने के कारण ये घटना घटी। पर अब सबसे बड़ी परेशानी वाली खबर कि न्यूक्लियर डेटोनेशन के कारण अब एंड्रोमेडा और भी तेजी से फैलने लगता है, जिसके कारण हजारों की संख्या में सभी जगह जानवरों की लाशें डिटेक्ट होती है। इससे पहले कि इन्फेक्टेड अनकंट्रोल्ड जानवरों से इन्फेक्शन और फैले, मिलिट्री क्लोरोजिन की मदद से उड़ते बर्ड्स को मार गिराने लगते हैं। वही नैश अपने बॉस को उस घटना की फुटेज भेजने में सफल रहा, जिन्हें नैश के अरेस्ट का पता चलने पर वो मिस्टर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को उस फुटेज के बेसिस पर नैश को छुड़ाने की धमकी देते हैं, वरना वो फुटेज को मीडिया में रिलीज करके उनका पोल खोल देंगे। पर इससे पहले कि वो ऐसा कर भी सके, सेक्रेटरी उनके धमकी से ना डरकर कर्नल फेरस को कहकर तुरंत नैश को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देते हैं। वही जनरल मैनचेक भी उनके लिए अब लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, जिन्होंने आसानी से प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में वाइल्डफायर टीम को सब रिवील कर दिया। इसलिए लूज एंड को टाई करने के लिए वो अपना डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये सब खत्म होने के बाद जनरल मैनचेक को मरवाने का ऑर्डर देकर कर्नल फेरिस बिना समय गवाए नैश पर टेररिस्ट का इल्जाम लगाकर एक मिस्टीरियस बैग उसका बताकर बैग के साथ उसे किसी मिस्टीरियस लोकेशन रवाना कर देते हैं। पर नैश बीइंग अ रिपोर्टर वो तुरंत समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ तो काला है, इसलिए नजदीक पड़े फायर एक्सटिंग्यूशर को अनपिन कर देता है, जिससे पायलट को कुछ नजर नहीं आता और उसे हेलीकॉप्टर करीब लैंड करना पड़ता है। अब नैश के भागने की कोशिश में सोल्जर उसे शूट करने ही वाला होता है कि वो हेलीकॉप्टर के विस्फोट में मारा जाता है। इसका मतलब कि उस बैग में उसे खत्म करने के लिए बॉम्ब रखा हुआ था। यहाँ अब टीम एंड्रोमेडा का तोड़ पता करने के लिए उसके अटैक के तरीके पर फोकस करने लगते हैं। वो जल्दी फिगर आउट कर लेते हैं कि जब भी एंड्रोमेडा शिकार के खून को कोएगुलेट नहीं कर पाता, तब वो शिकार के ब्रेन में घुसकर हैमरेज ट्रिगर करता है, जिससे शिकार वायलेंट बिहेव करने लगता है और अंत में दूसरों के साथ खुद की भी जान ले लेता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो शेरिफ इन्फेक्टेड होने के बावजूद कैफे पहुंचने से पहले वायलेंट कैसे नहीं हुआ। वहीं आखिर उस बेबी और बुजुर्ग में क्या समानता है कि वो एंड्रोमेडा के असर से बचे रहे। फिर तभी विक्टिम शेरिफ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने पर कि वो डायबिटिक होने के कारण एसिडोसिस से सफर कर रहा था, वहीं वो बुजुर्ग अल्कोहलिक होने के कारण रेगुलरली एस्पिरिन इंटेक करते थे और वो बेबी भी पेट के दर्द की बीमारी से गुजर रही थी, जिसके कारण उसके सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड होने लगा था। इन तीनों के भी बीच कॉमन रीजन उनकी बॉडी का एसिडिक नेचर था, जिसके कारण उन पर एंड्रोमेडा का असर नहीं हुआ, क्योंकि अब तक की स्टडी के अनुसार एंड्रोमेडा एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ एसिडिटी में एग्जिस्ट कर सकता है जो यूजुअली आम इंसान में पाया जाता है। पर इन तीनों के केस में उस दौरान उनका सिस्टम हाईली एसिडिक था, इसीलिए वो बच गए। वहीं शेरिफ के केस में उसका एसिडिक कम होते ही एंड्रोमेडा उस पर हावी हो गया, पर वो इस एसिडिक नेचर से तोड़ नहीं बना सकते क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। यहाँ एंड्रोमेडा को इलेक्ट्रॉन लेवल पर स्कैन करने पर वो और भी अजीब डिस्कवरी करते हैं कि इसके हर एक इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सेम नहीं है। इसे मैं उदाहरण में समझाता हूँ कि जब भी कोई कांच टूटता है तो उसके हर एक टुकड़े का सरफेस अलग होता है, कोई भी एक समान नहीं होता। यही सेम बिहेवियर वो यहाँ भी ऑब्जर्व करने पर वो एक बड़े नतीजे पर पहुंचते हैं कि एंड्रोमेडा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि एक लार्ज ऑर्गेनिज्म था जो कई भाग में बट गया फैलने के लिए और एक दूसरे से अलग होते हुए भी इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे इंसान के केस में उनके ऑर्गन्स। इससे स्टोन और चौथ तुरंत मैसेंजर थ्योरी के नतीजे पर पहुंचते हैं। अब ये मैसेंजर थ्योरी क्या है? दरअसल एस्ट्रोबायोलॉजी में एक थ्योरी है कि यदि किसी एलियन स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कम्युनिकेट करना हो तो वो इंसानों की तरह सैटेलाइट से पिक्चर लेने
के बजाय मोर एफिशिएंट वो अपने स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीड लाइक कल्चर में सिग्नल के फॉर्म में भेजेंगे, जिसमें जेनेटिक कोड छिपा होगा जिसकी मदद से या तो रिसीव करने वाले स्पीसीज के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि वो कैसे सेंडिंग स्पीसीज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो ऐसा कोड भी मौजूद हो सकता है जिसकी मदद से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फुल ऑर्गेनिज्म में भी असेंबल किया जा सकता है। ठीक जैसे जब हम चेयर या अन्य डिसेंबल्ड वस्तु खरीदते हैं तो उसे रिसीव करने पर हम उसके मैनुअल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके असेंबल करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एंड्रोमेडा एक सिग्नल है सेंड बाय इंटेलिजेंट स्पीसीज, जिसमें इंसान के स्टेम सेल की तरह एनवायरनमेंट के हिसाब से ढालने की खूबी भी है। वही स्टोन के सीरीज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसे फाइनली एक बड़ी उपलब्धि मिलती है कि एंड्रोमेडा को बैक्टीरियोफेज से मारा जा सकता है, और उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि दूसरे सेट ऑफ एंड्रोमेडा पर सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर इस बार उस पर जरा भी असर नहीं होता, जिससे वो एकदम कंफ्यूजन में चला जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। फिर तभी उसे चमकता है कि एंड्रोमेडा ना सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल सकता है बल्कि एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकता है। पर अब सवाल उठता है कि एंड्रोमेडा एक दूसरे से सेपरेट होने के बावजूद एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। विलियम को याद आता है कि एंड्रोमेडा का सेलुलर स्ट्रक्चर क्रिस्टल लाइक है और क्रिस्टल में वाइब्रेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसमें लाइट को बेंड या रिसीव करने की भी खूबी होती है, जिसकी मदद से वो यही थियराइज करता है कि एंड्रोमेडा लाइट की मदद से हार्मोनिक वाइब्रेशन पैदा करके एक दूसरे के बीच मिनिस्क्यूल एनर्जी फील्ड ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक फील्ड तैयार करता होगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ये जानने के बाद तो शालिन के और भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका मतलब कि ना सिर्फ एंड्रोमेडा खुद को कई भाग में बांट सकता है बल्कि एक दूसरे से सेपरेट होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्टेड रहकर एडाप्ट करने के लिए एक पार्ट दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट भी कर सकता है। इसलिए पहले जो सिर्फ इंसान को अफेक्ट करता था म्यूटेशन के बाद जानवरों को इन्फेक्ट करने लगा, फिर तीसरे म्यूटेशन में नायलोन बेस्ड मटेरियल्स को निगलना और पिछले म्यूटेशन में बर्ड्स को इन्फेक्ट करने लगा ताकि वो आसानी से फैल सके, और अब एंड्रोमेडा विंड स्पीड का प्रयोग करके नजदीक के रिवर की तरफ बढ़ता डिटेक्ट होता है जो सीधे लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इससे पहले कि एंड्रोमेडा बाकी शहर से पूरे दुनिया में फैल जाए, मिस्टर प्रेसिडेंट तुरंत नजदीक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शट डाउन करने का ऑर्डर देते हैं। शालिन भी अपने परिवार को कहीं दूर मूव होने के लिए तुरंत आगाह करती है। वहीं बेचारा नैश बंजर इलाके में फंसा, भूख और प्यास से उसकी जान निकलने लगती है, पर भाग्य से उसे एक सवारी मिल जाती है। पर यहाँ कर्नल फेरस को नैश का जिंदा होने का पता चल जाता है, इसलिए उसे तुरंत हंट डाउन करके शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे देता है। ऊपर से ये मुसीबत कम नहीं थी कि जिस कॉन्ट्रोवर्शियल इंडस्ट्री ऑफ थर्मल वेंट माइनिंग के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था, एनवायरमेंटलिस्ट ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो जहाज को डिटोनेट करके सिंक कर देंगे जिस जगह उनका माइनिंग करने का प्लान है। वहीं यहाँ चो एक और पर अजीब खोज करता है कि एंड्रोमेडा को कैरी करने वाला वो ब्लैक कंटेनर शेल जो बकीबॉल कार्बन मॉलिक्यूल से बना है, उसके बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर में रहस्यमय कारण से पोटेशियम और रुबिडियम के एटम्स भी डिटेक्ट होते हैं, जबकि वो दोनों भी किसी भी तरह से कार्बन से बने बकीबॉल के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद नहीं करते। तो यहाँ आखिर कंटेनर शेल को तैयार करने के लिए इनका प्रयोग क्यों किया गया, जिनका लेआउट भी एकदम रैंडम नजर आता है। पर विलियन की उस पैटर्न पर नजर पड़ने पर वो तुरंत फिगर आउट कर लेता है कि दरअसल कंटेनर के अंदर एक मैसेज छिपा हुआ है, क्योंकि वो पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि 8 बिट बाइनरी कंप्यूटर है जिसे ASCII फॉर्मेट में डिसाइफर करते ही एपिसोड 3 यही एंड हो जाती है। अब यदि आपको इसका अगला और आखिरी एपिसोड देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि इसका क्लाइमेक्स बहुत ही ट्विस्टिंग से भरा होगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के वीडियो में। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।